आर्म्स के बाद जो मसल सबसे ज्यादा ट्रेन किया जाता है ना, वो है भाई चेस्ट मसल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों का चेस्ट मसल ही सही से नहीं बन पाता है, क्योंकि चेस्ट मसल को सही से बनाने के लिए, सही से बिल्ड करने के लिए चेस्ट का मसल एनाटोमी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें अगर अपर चेस्ट बनाना है ना, तो फिर हमें भाई इंक्लाइन बेंच प्रेस ही मारना पड़ेगा। अगर हमें लोअर चेस्ट बनाना है तो फिर भाई हमें डिक्लाइन बेंच प्रेस ही मारना पड़ेगा, नहीं तो ये दो मसल्स हमारे नहीं बनेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई आपके बॉडी में ना तो अपर चेस्ट नाम का कोई मसल है, ना ही लोअर चेस्ट नाम का कोई मसल है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि भाई एक्चुअल में चेस्ट का मसल एनाटोमी क्या है, और मसल एनाटोमी के हिसाब से कौन सा वर्कआउट हमें करना चाहिए, और घर में हम कैसे कंप्लीट चेस्ट वर्कआउट कर पाएंगे, वो भी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो चेस्ट है ना, वो दो मसल से बना हुआ है। एक है भाई पेक्टोरल मेजर, एक है भाई पेक्टोरल माइनर। पेक्टोरल मेजर हम किसे बोलते हैं, फ्रंट से का जो कंप्लीट चेस्ट दिखता है ना, वो भाई है पेक्टोरल मेजर। और उसके अंडरनीथ मतलब उसके नीचे जो मसल्स है, या फिर हम जिसे बोलते हैं ना आउटर चेस्ट लेमैन लैंग्वेज पे, उसे हम बोलते हैं पेक्टोरल माइनर। और ये पेक्टोरल मेजर एक ही मसल से, उसका कोई अपर लोअर मिडिल चेस्ट नाम का अलग अलग मसल्स नहीं है। लेकिन पेक्टोरल मेजर जो है उसके दो हेड है, एक है भाई क्लाविकुलर हेड और एक है भाई स्टर्नल हेड। क्लाविकुलर हेड में जो मसल फाइबर्स है ना, वो ऊपर की तरफ गए हैं, और स्टर्नल हेड में कुछ फाइबर्स क्या है, हॉरिजॉन्टली गए हैं और कुछ फाइबर डाउनवर्ड्स गए हैं। ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं क्लाविकुलर हेड को अपर चेस्ट, और स्टर्नल का जो हॉरिजॉन्टल फाइबर गए हैं उसे हम बोलते हैं मिडिल चेस्ट, और स्टर्नल हेड का जो डाउनवर्ड्स जो फाइबर गए हैं ना, उसे हम बोलते हैं लोअर चेस्ट। लेकिन ये एक ही मसल है, अलग अलग मसल्स नहीं है। अगर आप कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट करेंगे तो आपका कंप्लीट पेक्टोरल मेजर ही ट्रेन होगा, ना कि अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, अलग अलग ट्रेन होंगे। ठीक है, लेकिन फाइबर के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम थोड़ा सा ज्यादा एम्फासिस पर्टिकुलर फाइबर्स को दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली आपका ऊपर का हिस्सा ही ट्रेन होगा, नीचे का हिस्सा ट्रेन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि भाई हम घर में कैसे चेस्ट मसल के सारे फाइबर्स को एक्टिवेट कर पाएंगे। जो हम नॉर्मल पुशअप्स लगाते हैं उसी में ही हमारे सारे फाइबर एक्चुअल में एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा एम्फासिस रहता है स्टर्नल हेड का जो हॉरिजॉन्टल फाइबर है ना उनके ऊपर। वैसे ही अगर आपको क्लाविकुलर हेड के फाइबर को ज्यादा एम्फासिस देना है, मतलब अपर चेस्ट के ऊपर ज्यादा एम्फासिस अगर आपको देना है, तो वहां पे आपको थोड़ा लेग को एलिवेट करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप स्टेयर केस यूज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा स्टेयर केस यूज करके एलिवेटेड लेग पोजिशन पे पुशअप्स लगाएंगे तो आपका अपर चेस्ट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा एम्फासिस पड़ेगा। यहाँ पे आप दो ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं, जैसे मैं अभी यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे ईटे यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्लैट भी मार सकते हैं, खाली जमीन पे मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अगर आपको स्टर्नल हेड के लोअर मसल फाइबर को थोड़ा एम्फासिस देना है, या फिर लोअर चेस्ट को थोड़ा एम्फासिस देना है, तो वहां पे आपको हैंड को एलिवेटेड रखना पड़ेगा। पैर आपका रहेगा नीचे, हाथ थोड़े से ऊपर पोजिशन पे रहेंगे, वहां पे आपका लोअर चेस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छे से एक्टिवेट हो पाएगा। अभी मैंने आपको कंप्लीट चेस्ट वर्कआउट करने के लिए तीन पुशअप्स के वेरिएशंस बताए हैं, लेकिन ये तीनों में पुशअप्स का जो टेक्निक है वो सेम रहेगा, उसमें कोई अलग टेक्निक नहीं है। पुशअप को सही तरीके से मारना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप तरीका सही नहीं रखेंगे तो भाई कितने भी वेराइटी आप पुशअप्स आप मार लीजिए, आपका चेस्ट डेवलप नहीं होगा। और 90% लोग हमेशा गलत तरीके से ही पुशअप्स लगाते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि एक्चुअल में सही तरीका क्या होता है पुशअप्स लगाने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके आप जरूर देखिए, उसका लिंक आपको अभी आई बटन पे मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। जब आप लाइक करते हैं तो आपके भाई को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको लगता है मैं आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ ना, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।